आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ वीडियो डालते हैं, आपको पता है नीचे हमारी जनता बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। हाँ। बड़े विट्टी हो गई हिंदुस्तान की जनता हमारा शो देख देख के। आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स। तब्बू मैम ने ये फोटो डाला है, #ooty #trains #journey #golmaalagain, वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स देखते हैं, सच्ची है। विदाउट टिकट चढ़ने के बाद टीटी इस लुक से मान जाता है क्या? उसको किसी ने रिप्लाई किया, इस लुक पे तो हम ट्रेन बेच दें। ये रेलगाड़ी रुकी हुई है, वरना इस अभिनेत्री के बाल उड़ रहे होते। आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, इस ज्ञान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, वरना इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। और दिखाइए। हेलो मुंबई, आइए कमेंट्स देखते हैं। जब से इन्होंने रनवे 34 में प्लेन गलत उतारा है, ये पीछे बैठ के ही सफर करते हैं। आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, जब तक 50 लोग साथ ना हो मुझे तो मजा नहीं आता। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, भाई या तो तू बस का कंडक्टर है या पॉकेट मार। और दिखाइए। I love this section. जब सफर में आदमी इतना गंभीर दिखे तो समझ जाइए वो भूल गया है वाइफ ने क्या लाने को कहा था। मैं जब चश्मा लगा के कॉफी पीता हूं तो फॉग आ जाता है, आपके भी आता है क्या? आता ही है, सबके आता है। थैंक यू रजनंगरी ऑफिशियल फॉर दिस स्टनिंग आउटफिट। रजत टंगरी, वही बेटर था। ओके, कमेंट्स पढ़ते हैं। आप मुझे दो दिखाई दे रही हैं, आप सच में दो हैं या मेरे दो ज्यादा हो गए हैं? पार्टी में मेरी भी ज्यादा हो जाती है, मैं भी ऐसे ही शीशे से बतियाने लगता हूं। और दिखाइए। टू डेज टू गो, इशिता ने ये पिक्चर डाली है, बहुत क्यूट पिक्चर है। आइए देखते हैं कमेंट्स। लॉकडाउन में जब पार्लर बंद थे तो मेरी भी ऐसे ही मूछें आ गई थी। लड़कियां कुछ भी कर ले क्यूट ही दिखती हैं। मैंने एक बार साड़ी पहन ली थी, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। दिखाइए। और ओ तब्बू जी ने फोटो डाला, अनीस भाई ये ताज आपके सर, हैशटैग थैंक यू, वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट। ताज की तो उनको खुशी है, लेकिन आपने जो उनको भाई बोला है उससे उनका मुंह सड़ गया। वेरी बैड। ओहो, सुंदर हीरोइन हो तो डायरेक्टर अपना काम छोड़ के हीरोइन के बाल बनाने लगता है। इनकी जगह अगर राजपाल यादव का मेकअप खराब हुआ होता तो कभी ना आते। व्हाट अ ट्रू लाइन। अनीस सर डायरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन हेयर ड्रेसर कैसे हैं ये तब्बू जी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। और दिखाइए। फास्टन योर सीट बेल्ट, लेट्स गो रूमिंग। आइए कमेंट्स देखते हैं। जब हाईवे पे बाथरूम ना मिले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कच्चे रास्ते पे उतर आते हैं। टोल के 70 रुपए बचाने के चक्कर में खेतों से होकर जाता आदमी। इतिहास गवाह है, बीवी की और गूगल मैप की ना सुनो तो इंसान ऐसे ही भटकता है। बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आइए और देखते हैं। श्रिया ने फुट डाला, टू पीटर बर्ग्स विद लव लुइजोवा। आप सारे आपके फ्रेंड ऐसे ही हैं, नाम ही नहीं लिया जाता हमसे। मुंह में स्पेलिंग फंस गया, लुई मेरे मुंह से निकला तो जोवा अटक गया। पहले भी आपने कुछ लिखा था, तब्बू जी ने पकड़ लिया, वो क्या लिखा गया था आपने पहले वाले फोटो पे? हमारा कोई फ्रेंड नहीं लुइजोवा, हमारे रमेश सुरेश ऐसे ही नाम है, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के फ्रेंड भी ऐसे होते हैं। श्रिया, श्रिया का फ्रेंड लुइजोवा। वाओ, अर्चना पुरन सिंह फ्रेंड मंगल सिंह।
ओहो, आइए देखते हैं कमेंट्स। मंगल सिंह, मंगल सिंह। मैंने भी एक लड़की की बिना पूछे फोटो ली थी, फिर उसने भी ठीक ऐसे ही अपनी सैंडल उतारी थी। और दिखाइए। पीटर्सबर्ग है तो पीटर कहाँ है? किसी ने रिप्लाई किया, ऐसे तो जोहान्सबर्ग में भी जॉन कहाँ है? फिर कानपुर के भी कान कहाँ है? तुम दोनों की ऐसी बातों की वजह से ही चप्पल उतार रही है वो। वैसे क्यों उतार रही थी श्रेया आप सैंडल? फोटोग्राफर ने बोला था अच्छी फोटो आएगी लो एंगल से। लड़कियों को बड़े आते हैं, हमें नहीं आता। हम तो ज्यादा ज्यादा पेट अंदर खींचते हैं हम। अगर अगली बार मैं भी ऐसे करूंगा। नाइस पोज एक्चुअली। और दिखाइए कमेंट्स। आई लव दिस सेक्शन ऑफ द शो। यही खेले सारा। इशिता ने फोटो डाला है पीले रंग का कुछ, उसके बाद टारगेट लॉक्ड, फिर लाल रंग का कुछ। आइए देखते हैं कमेंट्स। इनका निशाना ढंग से नहीं लगा इसलिए फोटो डाली है, लग जाता तब ये वीडियो डालती। मेले में तीर चला के तो सिर्फ चिप्स का पैकेट जीतोगी, मुझ पे प्यार का तीर चलाओ, किराने की दुकान है, कुछ भी ले लेना। वाह। और दिखाइए। बी अफ्रेड, बी वेरी अफ्रेड, अंधाधुन। लवली मूवी। हमें क्या बता रही है, हम तो माचिस के समय से फैन है इनके। लग ही रहा है तू। हमारी तरफ तो देखती भी नहीं। आप कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं अपना भूत और भविष्य साथ साथ देख रहा हूँ। रिप्लाई है भूतनी के, वो मास्क बेचने वाली नहीं है, तब्बू जी है। आप हेलोइन पार्टी कर रही हैं तो मुझे भी बुला लें, मैं बिना गेटअप के भूत लगता हूं। दिनेश तूने लिखा है कमेंट। और आगे खत्म। अजय सर का फिल्म में एक डायलॉग है कि सच जो होता है वो पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दबा लो बाहर आ ही जाता है। अजय सर, जो वाइफ्स होती हैं उनके सामने अगर आप झूठ बोलो तो वो बोलने के तरीके से पकड़ लेती हैं कि आप सच बोल रहे हो झूठ, तो आप कभी पकड़ गए? उसका एक ही सलूशन है। क्या? सिर्फ झूठ ही बोलो हमेशा। वेरिएशन ही नहीं। नेशनल टीवी पे ये हमें कैसी सलाह दे रहे हैं। इशिता आपकी मैंने एक चीज नोटिस की है, आपके इंस्टाग्राम पे हमेशा जो भी फोटो आता है आपका और वत्सल का साथ में ही होता है। हम भी शादीशुदा हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्यार का असर है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि एक आदमी की फोटो अपलोड ही नहीं होती आपकी। प्यार है, प्यार। और स्वीट। और सुनाओ मृणाल। क्या सुनाऊ? आज स्कूल नहीं जाना? नहीं, छुट्टी ली। तो जैसे जब आप शूटिंग कर रहे होते हो इतने लंबे समय तक की शूटिंग चलती है, फिर पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, शूट पे मैनेज कर लेती हूँ। वाह क्या बात है, क्या कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, शूटिंग करके भी मैनेज कर लेते हैं। हम सारा साल जाके भी। अभी मेरे सॉन्ग शूट के बाद मेरा टर्मिनल का एग्जाम था। वो क्या होता है? 50 मार्क्स का पेपर। अच्छा, टर्मिनल नहीं समझ आया ना? CID वाले, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा, CID की टीम आ चुकी है। तो उनको अंदर भेजो फिर। हम ही हैं CID की टीम। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? CID की टीम मैंने देखी, वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास, तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए। तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया? ये दया मुझे लग ही रहा है, दया पे मुझे दया आ रही है। हम आपसे बातें करने आए ही नहीं हैं, समझ रहे हैं आप? तो क्या करने आए फिर आप? ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने आए आप? दया, गौर से देखो। अजय जी, तबू जी, श्रेया जी, इशिता, मृणाल, सब के सब एक साथ
आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना, उसका दूसरा पार्ट बना क्या है? नहीं दया नहीं, ये जरूर यहाँ दृश्यम 2 के लिए आए हैं। ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों। इनकी बात का मतलब समझे दया? हाँ सर, ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। तबू जी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। ये केस सॉल्व करने के लिए आपने 2 फिल्में कर दी। हाँ। 1 महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते, हम सॉल्व कर देते ये केस। सर, मैं तो 2 फिल्मों में भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना का रखा हुआ है। हाँ। उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ गई, वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वैसे तबू जी, मैं आपको बताऊं, पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों? जो आदमी 4-4 गोलमाल करके बैठा हो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जीनियस। दया, गोलमाल से मुझे याद आया। क्या हुआ सर? नहीं, गोलमाल का जोक याद आया ना, इसलिए। बहुत फनी थी गोलमाल। वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई। ये तुम दया हो, ये आलू है, अब तुम दयालु हो। Oh God. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.